हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को। और कौन सा मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे? हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में भी दो तरीके से होता है, जैसे साइंस में साइंस कॉमर्स का अलग और आर्ट्स का अलग, सेम टू सेम इंग्लिश की तरह। तो हम लोग आज देखेंगे हिंदी में आर्ट्स वाले का, ठीक है, आईए वाले का देखेंगे मॉडल पेपर, और इसके पूरे 100 ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग करेंगे, अभी देखेंगे, सॉल्व करेंगे साथ साथ में, ठीक है। और ये कौन सा है? 2021 एनुअल इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को ऑब्जेक्टिव सेक्शन में टोटल 100 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। यहाँ देखिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक में हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया है, कोई एक ही सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि आपको 100 में से सिर्फ 50 ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। तो आप लोग को जो अच्छे से कन्फर्म हो उसी को टिक लगाइएगा, OMR शीट पे गोला भरना है। हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, स्नेह मग्न शब्द कौन सा समास है? देखिए, पहला क्वेश्चन ही हमारे किस से आया है? व्याकरण से आया है। और व्याकरण में किस चीज से आया है? समास से। तो आप लोग को मैंने बताया था कि संधि समास ये सब क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के हिंदी के एग्जाम के लिए। तो पहले देखिए, यह क्या समास में पूछा है, स्नेह मग्न। तो स्नेह मग्न कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विक्रम आदित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आप लोग सोचिए, क्या पूछा है? संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद पूछा है, मतलब संधि मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है, जुड़ना। और यहाँ क्या पूछा? उसका विच्छेद करना, यानी कि जो चीज पहले से जुड़ा हुआ है उसको अलग अलग करना है। तो हम लोग इसको कैसे अलग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, दो शब्द है, विक्रम और आदित्य, बीच में आकार आपको दिख रहा होगा, जिससे क्या बना है? विक्रम आदित्य। तो ऐसा हम लोग को दो खोजना है जिससे दो शब्द हो और मिलके विक्रमादित्य बना हो। तो विक्रमा जोड़ आदित्य ऑप्शन नंबर ए, ये तो नहीं होगा। विक्रम जोड़ आदित्य, देखिए इसमें विक्रम भी एक शब्द है, आदित्य भी एक शब्द है, और हम लोग विक्रम और आदित्य और आ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद, विक्रम जोड़ आदित्य ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन है शुद्ध वाक्य, इसमें से आपको बताना है। पहला है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ठीक है। साहित्य और जीवन जो है दूसरे से क्या है? जीवन में रिलेटेड है, तो यह तो सही लग रहा है। आपका पत्र 100 धन्यवाद सहित मिला, देखिए इसमें क्या है? 100 धन्यवाद सहित नहीं, आपका पत्र हमें कभी भी मिलेगा तो इस वर्ड का यूज हम लोग उसमें नहीं करते, तो ये तो नहीं होगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या, देखिए कन्या के साथ सौभाग्यवती लगाया हुआ है, ठीक है, का विवाह होने जा रहा है, तो हम कन्या के साथ क्या सौभाग्यवती खुद से यूज नहीं करते, मतलब शुद्ध नहीं है। हमारी आयुष्मती कन्या, आयुष्मती कन्या भी नहीं होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और सौ धन्यवाद से ये भी गलत। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो 3 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग संज्ञा को भी अच्छे से रिवाइज कर ले। संज्ञा में पूछा घोड़ा का, तो घोड़ा कहने का अर्थ हो रहा है कि उस पूरे घोड़े को वो रिलेट कर रहा है, मतलब पूरा जितना उस घोड़े का जाति है, किसी स्पेशल ने बोला कि यह घोड़ा या फिर काला घोड़ा उजला घोड़ा, तो ये सब पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए क्यों कौन सा हो जाएगा? ये 4 का ऑप्शन नंबर ए, जाति वाचक संज्ञा, ठीक है। और फिर पूछा है वही संधि विच्छेद, 5वां क्वेश्चन में पूछा है उन्नायक, तो उन्नायक का शब्द संधि विच्छेद होगा उत्जोर नायक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका संधि का बहुत सारा नियम होता है संधि विच्छेद का, तो आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 5 का सी, उत्जोर नायक उन्नायक। अब देखते हैं 6, नदी शब्द क्या है? अब इसमें नदी का आपको लिंग निर्णय करना है, नदी जो एक शब्द है वह क्या है? स्त्रीलिंग है, पुलिंग है या फिर उभयलिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग, नदी जो है स्त्रीलिंग है। बोलते हैं ना कि नदी बहती है, गंगा बहती है, ऐसा करके, ऑप्शन नंबर ए। श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? देखिए कारक से भी सवाल पूछा है, और यहाँ पे हम लोग को पूरा याद होना चाहिए, देखिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, देखिए 2 बार से आता है, तो एक करण वाला और एक अपादान वाला, तो करण वाला जब किसी चीज से जुड़ते हैं तब, और अपादान वाला जब अलग होते हैं तब, ठीक है, अपादान से
संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे जी, आप लोग को याद ही होगा। तो यहाँ पे हमारा कारक कौन सा है, ने वाला है, ठीक है। तो ने हमारा सबसे पहला ही कारक आ जाता है, कर्ता ने, यानी कि जो काम को करता है। तो इसमें पूछा कि कौन सा कारक है, तो कर्ता को देखते कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है कर्ता कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। अनुराग शब्द का विलोम पूछा है, उसका उल्टा क्या होगा, तो अनुराग का क्या होगा, विराग। ऑप्शन नंबर सी 8 का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन में फिर वही संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, आप लोग जरूर से जरूर इसको रिवाइज करें। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथार्थ में क्या शब्द मतलब बताया ना कि संधि विच्छेद में आपको दो शब्द निकालना है, एक शब्द दिया है जिसमें से आपको दो निकालना है, अलग अलग करना है। तो यथार्थ में क्या होगा, यथा जो अर्थ, ये तो कोई एक शब्द मतलब कुछ है ही नहीं, निरर्थक शब्द तो ये तो होगा नहीं। यथ जो अर्थ, यथ तो कुछ होता नहीं है तो ये भी गलत। यथा जो अर्थ, देखिए यथा मतलब ही एक शब्द है, अर्थ मतलब एक शब्द, दो सार्थक शब्द है। और यहाँ पे देखिए आ और अ मिलके क्या बना है, आ आ बना है, तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यथा जो अर्थ। ये सब ट्रिक है, आपको बस अगर शब्द का पहचान है, शब्द अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो संधि विच्छेद कर सकते हैं बिना आप ट्रिक के, बिना आप वो नियम को याद किए हुए भी। 10वां क्वेश्चन, पदबंध के कितने प्रकार है, ठीक है, पदबंध के प्रकार पूछा है, तो उसका कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 प्रकार, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोर शब्द का पर्यायवाची क्या है। मोर जो पिकॉक होता है उसका पर्यायवाची पूछा है, यानी कि उसी का दूसरा शब्द जो कि हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो मोर का कही हूं क्या हो जाएगा, सारंग, ऑप्शन नंबर ए सारंग, मोर का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या पूछा है, लिंग निर्णय का सवाल, स्त्रीलिंग पुलिंग या उभयलिंग में से आपको बताना है। तो प्रकाश क्या होता है, पुलिंग, जिसको ऐसे भी याद रखते हैं, किसका नाम मान के चलिए राम प्रकाश है या कुछ भी है, तो क्या होता है, लड़का के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं कि प्रकाश का लिंग निर्णय क्या होगा, पुलिंग, ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा बनावट या फिर रचना, रचना या बनावट की अनुसार शब्द के कितने भेद है, शब्द के कितने भेद है, शब्द बहुत तरीके से होते हैं, उद्गम की दृष्टि से, रचना या बनावट की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, बहुत से होता है। यहाँ आपको पूछा है रचना की दृष्टि से, तो हो सकता है एग्जाम में आपको किसी और दृष्टि से भी पूछ ले, तो आप सबका रिवाइज करें। तो वैसे ही रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं बनावट की दृष्टि से, यौगिक रूट और योग रूट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, यहां से चले जाओ, क्या बोल रहा है, यहां से चले जाओ, आदेश दे रहा है, वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक, तो प्रश्न तो पूछ नहीं रहा, क्या है, आज्ञा बोधक, उसको क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि यहां से चले जाओ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब होगा 15 नंबर क्वेश्चन, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मार लेता है, हम लोग बोलते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, कहने का मतलब अपना लॉस कर लेना, तो कुल्हाड़ी से मारना नहीं होगा, क्या ये मुहावरा है, अपनी हानि आप करना, यानी कि अपना आपका नुकसान कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए उपसर्ग प्रत्यय का सवाल आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बालक शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या होता है, जो कि पीछे लगा होता है, लास्ट में लगा होता है, किसी भी शब्द के अंत में जो लगा होता है वह होता है प्रत्यय, और जो शुरुआत में लगा होता है वह होता है उपसर्ग, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो यहाँ पे आपको पूछा है सफिक्स प्रत्यय के बारे में, तो जो कि अंत में लगा होना चाहिए, तो अंत में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय क्या कौन सा होगा, अक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का, बालक में अक प्रत्यय लगा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, बदनाम शब्द में उपसर्ग है, अभी पूछा था प्रत्यय, अब पूछ रहा है उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो पहले लगा है, तो बदनाम में हमको क्या पहले लगा है, बद जो नाम, तो बद कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत इजी होता है उपसर्ग और प्रत्यय, 17 का आंसर हो जाएगा डी। अभी यहाँ पूछा है रात हुई और तारे निकले, रात हुआ और तारा निकला, यानी कि दो वाक्य हुए कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। अब पूछा है क्या कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, दो वाक्य को कंबाइन किया है, जोड़ दिया है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। पहला तो हो गया कि रात हुई और दूसरा वाक्य था कि तारे निकले, रात में तारे निकले, अब इस दोनों को जोड़ दिया तो रात हुई और तारे निकले, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, देखिए महात्मा कहने का मतलब महान है जो आत्मा, ठीक है, महान है जो आत्मा, तो ट्रिक होता है समास में कि किसी के भी अंत में है लगा हो, मतलब बीच में है आ जाए कि वह ये वह है जो, ठीक है, फलाना है ठिकाना, तो महान है जो आत्मा, यानी कि इसमें क्या लगा है, तो है जो भी लग जाता है वो कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, यहाँ पे एक बोल रहा है मतलब इसे कौन ना स्वीकार करेगा, ठीक है, यानी कि कौन सा दिखा रहा है, एक क्वेश्चन दिखा रहा है कि कौन होगा जो इसको स्वीकार नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक तो नहीं है, संबंधवाचक, संबंध भी नहीं है, संबंध कहने का मतलब उसका जिसका ये सब लगा हो। प्रश्नवाचक, देखिए यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा ना, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, यानी कि हम कुछ भी चीज बोलेंगे और उसको कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। निजवाचक तो है नहीं, निजवाचक मतलब खुद के बारे में बताना। अगला देखिए, नववधु शब्द कौन समास है, सेम टू सेम अभी जो महान है जो आत्मा वाला था वही है, कौन सा है इसमें, नववधु यानी कि नई है जो वधु, यानी कि जो नई बहु आती है उसको क्या बोलते हैं, नववधु, तो है बीच में आया ना, नई है जो वधु, तो अभी कौन सा बताए थे, कर्मधारय समास, इसमें भी है आ जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मैदान शब्द का विशेषण है, विशेषण यानी कि उस चीज का अब क्या जो विशेषता बतलाए, यानी कि मैदान है अब उसका विशेषता जो हम लोग बताते हैं तो कैसे बताएंगे, तो मैदाना ये तो कुछ नहीं होता है, मैदानी भी कुछ नहीं होता, क्या होता है मैदानी, ठीक है, मैदानी तो हम लोग बोलते हैं ना कि मैदानी खेल है या फिर बहुत चारा बहुत सारा चीज होता है, और मैदान, तो ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मैदान का विशेषण मैदानी। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, यानी कि आपको दो शब्द दिया है उसको एक में कंबाइन करके बताना है कि क्या यूज कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पठन पठनीय पढ़ाकू या पठ, तो क्या हो जाएगा पठनीय, पढ़ने योग्य चीज को क्या बोलते हैं पठनीय। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24, भला शब्द कौन विशेषण है, भला और इसका पूछा है विशेषण, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि किस टाइप का विशेषण है, तो भला कहने का मतलब क्या होता है, किसी के गुण के बारे में बताने के भला आदमी है, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसका सही आंसर 26 का सी। एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, बस आपको कंसंट्रेट होके उसको सॉल्व करना है। अब फिर यहाँ पूछा है संधि विच्छेद, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उसमें फिर पूछा है संधि विच्छेद, ठीक, तो ये संधि विच्छेद में कौन सा पूछा है, या वाला, तो या वालों के लिए नियम आपको पता होगा कि हर्ष्व ई और आ, तो हर्ष्व ई और आ जो मिलेगा तो क्या बनेगा या, तो हम लोग देखेंगे हर्ष और या किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, वह हर्ष लगा है ना वी और जो आकुल, तो इसे क्या बन जाएगा व्याकुल, तो 25 का ए, ये सबका क्या होता है रूल होता है आपको याद करना पड़ेगा। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, विशेष शब्द का विलोम क्या है, ठीक है, तो विशेष शब्द का आपको पूछा है विलोम यानी कि उल्टा, बहुत सारे बच्चे विशेष का अविशेष लगा देते हैं, ठीक है, यह गलती आप लोग मत करिएगा, अविशेष कोई शब्द होता ही नहीं है, विशेष का उल्टा हो जाएगा सामान्य, यानी कि यह सामान्य है और यह विशेष है, ठीक है, उल्टा होता है तो उसको उल्टा होगा, विपरीत शब्द होगा सामान्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पेट में चूहे कूदना, बोलते हैं ना कि मम्मी खाना दो पेट में चूहा कूद रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, चूहा दौड़ाना या फिर चूहा पालना या फिर चूहा मारना या फिर जोर की भूख लगना, तो क्या है मुहावरा है, तो पेट में चूहे कूदना का मतलब सबको पता है क्या होता है, जोर की भूख लगना, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फैसला शब्द, फैसला शब्द जो है वह कौन सा शब्द है, आपको बताया था उद्गम की दृष्टि से चार पांच होता है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और अर्ध तत्सम, तो लेकिन यहाँ पर जो शब्द है फैसला वह क्या है, एक अरबी या फिर फारसी का शब्द जो कि विदेश से लिया हुआ है, तो जो भी शब्द विदेश से हम लोग लेके हिंदी में यूज करते हैं उसको बोलते हैं विदेशज शब्द, ठीक है, विदेश का शब्द है फैसला, तो उसको हम लोग हिंदी में उसके जो हमारे देश का जो शब्द है तो वह निर्णय, जैसे बोलते हैं कि सरकार ने यह निर्णय लिया, वहीं पे विदेश शब्द का यूज, विदेशज का यूज करेंगे तो सरकार ने यह फैसला लिया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, जिसे भय नहीं है का एक शब्द, यहाँ फिर से क्या पूछा है, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा है, जिसे भय नहीं उसको क्या बोलते हैं, निर्भीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्भीक। अब पूछा फिर से वही, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, ठीक है, अभी उससे पहले पूछा था रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, और यहाँ पूछा रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है, तो क्रिया के कितने होते हैं, दो भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अवयव, ठीक है, अवयव शब्द में होता है विकारी और अविकारी, तो अविकारी शब्द में ही सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे बोलते हैं अवयव शब्द।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। गिरोह, गिरोह मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलके किसी चीज को डिस्कशन करना, एक तरह से ग्रुप बनाना, ठीक है। तो ये कौन सा संज्ञा पूछ रहा है, कौन सा नाउन होगा, तो एकदम इजी है, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। गिरोह मतलब बहुत सारे लोग का इकट्ठा होके कुछ भी करना, तो उसी को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, लोग इतना क्वेश्चन देख लिया, आप लोग कॉपी में नोट करते रहे सबको क्वेश्चन के साथ और याद करें। अब पूछा यहाँ पे अज्ञान शब्द कौन सा समास है, अज्ञान, ठीक है, क्या लगा इसमें, अ लगा, ठीक है। अव्यव जब लगे तो हो जाता है नन समास, किसी भी शब्द में जब अव्यव लगा हो, उपसर्ग लगा हो, तो उसमें वो समास हो जाता है नन समास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्ञान में नन समास। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलेट कर रहे हैं। अब इसमें पूछा है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो संबंध, संबंध वाचक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले तो बोले कि वह कौन है, ठीक है, उसके बाद उसी से हम रिलेट कर दिए कि जो भाषण दे रहा है, ठीक है, तो उसमें हम संबंध जोड़ दिए, रिलेटिव रिलेशन स्थापित कर दिए, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध वाचक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। क्रोध मतलब गुस्सा जो आता है, उसको पर्यायवाची यानी उसी से मिलता जुलता हुआ शब्द, तो क्रोध का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कोप, क्रोधाना यानी कि कोपान। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, अब देखिए अब यहाँ से क्या शुरू हो गया है, किताब वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया, 35 तक पूरा व्याकरण था, अब 36 से आ गया है सारा किताब वाला। और सब हमारा किताब वाला पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है। आप सभी को पता होगा संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ये सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं, या किसे बातचीत करके एक चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट का, उसे लिया गया है सुदृढ़ गोष्ठी, और इसका मतलब होता है यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को, यानी कि यूरोप का जो काव्य कला में विद्वान लोग होता है उसी को क्या बोलते हैं, सुदृढ़ गोष्ठी। 37 का होगा सी। अगला क्वेश्चन है 38, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, तो लहना सिंह के भतीजे का नाम आप सबको पता होगा कीरत, कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। उसने कहा था करके एक चैप्टर है, उसी का यह लिया गया है क्वेश्चन। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, यहाँ पूछा विदूषक, वही सेम उसने कहा था करके चैप्टर में, तो उसने कहा था मैं वजीरा सिंह क्या था, विदूषक था, विदूषक था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, यानी कि कौन सा लेखक था जो कि इस सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ा था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, उदय प्रकाश जी जुड़े हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, ठीक है, उदय प्रकाश जी थे किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, शिक्षा पाठ जो है चैप्टर हिंदी में उसके रचयिता कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है, ठीक है, तो तिरिच कहानी है किस शैली में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथात्मक शैली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, मलयज का मूल नाम क्या है, तो मलयज का मूल नाम हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी भरत जी श्रीवास्तव। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की, ठीक है, किस लेखक ने अप्रेंटिस की नौकरी की देहरादून में, ओम प्रकाश वाल्मीकि, भगत सिंह, मलयज या फिर नामवर सिंह, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, नामवर सिंह वही अभी जो जिसका आंसर था, द्वारा लिखित प्रगित और समाज, प्रगित और समाज क्या है, तो प्रगित और समाज क्या है, एक आलोचनात्मक निबंध है, तो यहाँ पे निबंध हो जाएगा इसका सही आंसर 46 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी
वनश्री के ढके वक्ष स्थल में खिलखती रहती थी। अब यह जो लाइन लिया गया है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो यह जो लाइन है वह ओ सदानीरा पाठ से लिया गया है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा, जिसी का पंक्ति अभी यहाँ पे था, कैसा निबंध, ठीक है, यह निबंध कैसा है, उसका सही आंसर हो जाएगा लालित्य प्रधान, ठीक है, लालित्य प्रधान है 49 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं, सूरदास जो थे किस भाषा के महान कवि थे, यानी कि किस भाषा में लिखते थे, तो आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व, वल्लभाचार्य है से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे, तो सूरदास उससे पहले कैसे गाते थे, तो दास विनय और दैन्य भाव के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, कवि नाभादास किसके समकालीन थे, तो ये नाभादास जो थे वो किसके समकालीन थे, यानी किसके टाइम के थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास, तुलसीदास के वह समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है, कवि भूषण किनको अपना नायक मानते थे दो, तो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल। अगला क्वेश्चन है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है, तो जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है कामायनी, जो क्या है, एक महाकाव्य है, जैसे रामायण और वो सब होता है ना, महाकाव्य महाभारत वगैरह। प्रतिध्वनि तथा कथा, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है, तो प्रतिध्वनि जो है किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, इससे पहले का क्वेश्चन रह गया है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो पहले बनारस हुआ करता था। अब देखिए 57, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह मतलब क्या थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जिसका एक ही मूल वो था, और वह मूल क्या था, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी कि वह देश को स्वतंत्र होते हुए देखना चाहती थी, ऑप्शन नंबर बी 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन है, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के 8वें दशक में, ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी के 8वें दशक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है, तो इसका कविता संकलन किससे लिया गया, वह ऑप्शन नंबर डी, वह आदमी नया गरम कोट पहन चला गया विचारों की तरह, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था, तो रत्नावली, ऑप्शन नंबर ए 60 का रत्नावली से। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में संस्कृत भाषा का अध्ययन किए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो लहना सिंह पंजाब के अमृतसर में रहने वाले थे, और कहाँ के, मांझे के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 का, मांझे के। जयप्रकाश नारायण बहुत बार जेल गए हुए हैं आंदोलन के क्रम में, तो वह मेनली जो गए थे जेल, तो किस आंदोलन में गए थे, ठीक है, 1932 के टाइम में वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, उस आंदोलन के लिए वह जेल गए थे, जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924, जब 1922 में वह गए थे फॉरेन, तो 1924 में वहां पे मार्क्स से, कार्ल मार्क्स से प्रभावित हुए थे और मार्क्सवादी बने थे 1924 में। 65 है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाता है, ठीक है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाता है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है, अब यह पूछा है कि यह किस शीर्षक पाठ का, तो क्या हो जाएगा अर्ध नारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी 65 का डी। अब पूछा है मालती के पति का नाम क्या था, मालती का पति का नाम था मनेश्वर, 66 का डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, रोज शीर्षक कहानी में टिटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो जाता है, तो इसी में जो रोज शीर्षक कहानी है जिसमें मालती और महेश्वर का बेटा रहता है, टिटी करके यहाँ बुलाया गया है, वो किससे चिपक जाता है, तो चुप हो जाता है, तो अपनी मम्मी के गोदी में जाता है, यानी कि मालती के, ठीक है,
सी हो जाएगा 66 का। अब देखिए 68, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णता भुला देना चाहिए। कहना क्यों, कहने का मतलब जब देश का मतलब देश में पूरा वो आ जाएगा ना 130 करोड़ जो भी लोग हैं अभी, तो जब उसमें उस पूरे लोगों के लिए जब फायदे का बात हो तो अपने फायदे को भुला देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 69। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो कर्नाट वंश के राजा थे राजा हरि सिंह देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओ सदानी राज शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, तो उसी में जो उनका चमत्कार हुआ था वह कौन लिखा है? तो राजेंद्र बाबू ने, ऑप्शन नंबर ए। सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? पहला दृश्य जो ही होता है एकांकी है, यानी कि एक तरह का नाटक है, उसमें जो पहला सीन होता है उसी में क्या होता है, आंगन के बीचों बीच में खास्ता हाल चारपाई पड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? मरे हुए पशु जो थे उनके खाल को, ऊपर के जो चमड़ा होता है उसको, कहाँ पे वह बेच दिया करता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, अखरावट किस कवि की रचना है? ठीक है, अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कछुत खात कछु धरनी गिरावत। ठीक है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद सूरदास। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? उन्होंने जो अपने ज्ञान को अर्जन किया, ज्ञान लिया, वो कैसे लिया? तो सत्संग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 76 का, सत्संग द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? कौन जो थे जो कि पहले आचार्य थे लेकिन उन पर कवि रूप भारी पड़ गया? तो ऑप्शन नंबर बी भूषण। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की? तो कौन थे जयशंकर प्रसाद ने कलाधर भाषा में, कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचना की, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रियता भागीदारी रही है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान मतलब बहुत ही ज्यादा लिखती थी स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता में अपने लोगों को दिलवाने के लिए, स्वाधीनता संघर्ष में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है सुकून की तलाश, सुकून की तलाश किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या फिर शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81, अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक एक व्यंग कविता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, भिन्नसार कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, भिन्नसार कविता संग्रह ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? ठीक है, अशोक वाजपेयी की इसमें से कौन है, गांव का घर, हार जीत, उषा या फिर जन जन का चेहरा एक? क्वेश्चन नंबर 83 में अशोक वाजपेयी का पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार जीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कवि और कथाकार, तो अच्छे कवि थे और कथाकार। कहां जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस जाने वाली सड़क पर, ऑप्शन नंबर ए। अब पूछा घ का उच्चारण स्थान, अब देखिए यहाँ से फिर 86 से आ गया है 100 तक ग्रामर से, व्याकरण से। अभी हम लोग देखें पहले तो देख लिए थे 35 तक व्याकरण का, फिर उसके बाद किताब तक था पूरा, अब फिर 86 से व्याकरण, तो व्याकरण का बहुत ही अहम रोल है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ किसमें आता है, क वर्ग में आता है, क ख ग घ य, तो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, हम लोग कंठ से बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, घ का उच्चारण स्थान कंठ। अब इसमें आपको पूछा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए निर्दयी, एकदम सही से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए संसार, संसार का संधि विच्छेद, ऊपर भी हम लोगों ने बहुत संधि विच्छेद का क्वेश्चन देखा था,
संधि विच्छेद का हो जाएगा सम जोड़ सार, सम सम मतलब मौ में हलंत लगा होना चाहिए, ठीक है। तो संसार ऑप्शन नंबर बी। दल शब्द कौन संज्ञा है, दल शब्द कौन संज्ञा है, दल मतलब क्या, कुछ भी हम लोग मिलजुल के बैठते हैं, एक दल बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो कहो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन है रोटी, तो रोटी शब्द लिंग निर्णय करे, तो रोटी क्या हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग शब्द, बहुत सारी चीजें जो होती है खाने पीने वाली वह स्त्रीलिंग शब्द होती है, ऑप्शन नंबर ए। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, देखिए मैंने बताया था कर्ता में से दो बार होता है, एक तो कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि करण वाला, और एक होता है अपादान वाला, तो अपादान वाला है मतलब जो कि एक दूसरे से हट रहा होता मतलब अलग होता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपादान, अपादान कारक। यहाँ पे बिल से बाहर निकला मतलब बिल से अलग हो गया, तो इसलिए यह से क्या हो जाएगा, अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सुगम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सुगम शब्द में उपसर्ग है सु, सुजुर्गम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सु, ऑप्शन नंबर बी, सुगम का बी। अगला देखिए भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय यानी कि अंत में क्या है, तो भिक्षुक में क्या है, भिक्षुक यानी कि हुक लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 94, राज दरबार शब्द कौन समास, देखिए राज दरबार, राज दरबार कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य मतलब मिला हुआ है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आग का अनल। आयात शब्द का विलोम निर्यात, ऑप्शन नंबर डी। जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको बोलते हैं अतिथि, ऑप्शन नंबर सी, 98 का सी। बात तक न पूछना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बात तक न पूछना कहने का मतलब निरादर करना, मतलब होता है कि जो कुछ चीज हो रहा है उसे एक बात तक भी नहीं पूछा, यानी कि उसको निरादर किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं, ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो ये था हमारा बिहार बोर्ड के इस बार 2021 के लिए इंटरमीडिएट का हिंदी के आर्ट्स का क्वेश्चन, ठीक है, ये आर्ट्स का पूरा था। और अगर आप लोग को ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट करें, तो मैं साइंस और कॉमर्स वाले का भी हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव डील कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट करें, आपको उसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और आप लोग इसको करें सब्सक्राइब, और अच्छा लगा तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। थैंक यू सो मच।